दोस्तों गवर्नमेंट भी अपने स्तर से गवर्नमेंट ऐप बहुत से लॉन्च करती है और बहुत सारे एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर मिलते हैं जो गवर्नमेंट चलाती है। उनमें से पीएम किसान सम्मान निधि का भी एक ऑफिशियल वेबसाइट का गवर्नमेंट का ऐप है, वो ऐप भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। पीएम किसान सम्मान निधि का जो गवर्नमेंट का ऐप है बहुत सारी सेवाएँ वहाँ पर देता है, जो आप पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर आप देखते हैं, तो आप वहां पर ना जाकर प्ले स्टोर से एक ऐप आप इंस्टॉल करके वहां पर भी आप अपना जो है बेनिफिशियरी स्टेटस वगैरह है या न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन है या ईकेवाईसी, आप सारी सेवाएं वहां पर जान सकते हैं और ईकेवाईसी भी कर सकते हैं। तो चलिए प्ले स्टोर पर आपको चलकर दिखाते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से वो ऐप कौन सा है, कैसा आइकॉन है और कैसे हम इसको यूज करेंगे। तो दोस्तों प्ले स्टोर पर आपको आ जाना है और प्ले स्टोर पर आकर आपको पीएम किसान टाइप कर देना है, तो वहां पर बहुत सारे एप्लीकेशन मिलेंगे, लेकिन आपको ये वाला एप्लीकेशन देखना है। ऐसा उसका लोगो होगा, पीएम किसान GOL लिखा होगा, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर लिखा होगा, तो यही वाला एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करना है। ये गवर्नमेंट का ऐप है, यहाँ से हम इसको इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पर ये इंस्टॉल हो गया है, पीएम किसान सम्मान निधि का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका गवर्नमेंट का ऐप है। यहाँ से हम इसको अलाउ परमिशन देंगे, यहाँ से हम इसको अलाउ परमिशन कर देंगे। जीपीएस सेटिंग यहाँ पर ऑन मांगता है, फर्स्ट टाइम यूज करेंगे तो जीपीएस ऑन कर लेना है, बैक चले जाना है। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर फर्स्ट टाइम जब आप यूज करेंगे तो लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करना होगा, जिस लैंग्वेज में आप देखना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर इंग्लिश कर लेते हैं, इंग्लिश सिलेक्ट करके सबमिट पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर ओके कर देंगे, तो इंग्लिश लैंग्वेज में हमें ये दिखाएगा, आप चाहें हिंदी में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये वाला एप्लीकेशन इतनी सारी सेवाएँ प्रदान करता है, यहाँ पर बेनिफिशियरी स्टेटस वगैरह हो गया, एडिट आधार डिटेल हो गया, और यहाँ पर नीचे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पर एक ऑप्शन और बढ़ाया गया है, ईकेवाईसी, आप यहीं से ईकेवाईसी कर सकते हैं खुद के द्वारा, क्योंकि यहाँ पर ईकेवाईसी ऑप्शन हाल ही में अभी जल्दी बढ़ाया गया है। आपका आधार नंबर में यदि मोबाइल नंबर लिंक है तो आप यहीं से ईकेवाईसी कर सकते हैं। यहाँ से यदि बेनिफिशियरी स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो यहीं से आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर ये सिलेक्ट आईडी टाइप मांगेगा कि आधार नंबर डालकर आप चेक करेंगे, अकाउंट नंबर डाल के करेंगे या मोबाइल नंबर। तो यहाँ पर ये सारी सेवाएं आपको प्रदान करता है। इसके नीचे बढ़ेंगे, एडिट आधार डिटेल और स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर, और यहाँ पर न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन भी ऑप्शन है, कोई न्यू किसान है जिसने ज़मीन ली है थोड़ी बहुत और वो यहाँ पर पीएम किसान सम्मान निधि की वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है और जो सालाना का 6,000 रुपया मिलता है वो लेना चाहता है, तो यहाँ से न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन है, यहीं से आप क्लिक करके और यहाँ पर ऑप्शन खुल जाएगा। तो ये देखिए, यहाँ पर सारी डिटेल आपको फिल करनी होती है, ये सारी डिटेल आप फिल करेंगे। यहाँ पर आधार नंबर वगैरह हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, और यहाँ पर गेट ओटीपी, आप जब गेट ओटीपी पे करेंगे, यहाँ पर ये देखिए, इसको हम यहाँ पर जूम नहीं हो रहा है क्योंकि ऐप के माध्यम से दिखा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। आगे के ऑप्शन गेट ओटीपी जब हो जाएगा, मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, उसके बाद में आगे के ऑप्शन और आएंगे, कुछ फिल और करना होगा, उसके बाद में न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन होगा और जो भी कागज़ होगा वो यहाँ वहाँ पर अपना जो कि डिस्ट्रिक्ट में आपका जो विकास भवन है, जो कृषि विभाग के कर्मचारी हैं, वहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट जमा करना होगा और वहाँ पर कागज़ अप्रूव हो जाएगा, तो आपकी किसान सम्मान निधि आपकी भी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर बैग आते हैं, यहाँ पर ये देखिए सारी सेवाएं आपको प्रदान करता है। तो पीएम किसान सम्मान निधि का ये गवर्नमेंट का ऐप है, यदि आप पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थी हैं तो ये ऐप आप प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड करें, इंस्टॉल करके रखें, ताकि आगे आने वाली सभी योजनाओं के बारे में आप जान सकें, और यहीं से आप कोई भी ईकेवाईसी किसी की भी करना चाहते हैं, अपनी या और किसी की भी, तो यहीं से आप कर सकते हैं। उसके लिए आधार में मोबाइल नंबर लिंक होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों ये एप्लीकेशन बहुत पहले आ गया था, लेकिन बहुत सारे लोगों को अभी पता नहीं है, तो आप ये ऐप ज़रूर डाउनलोड करके रखें यदि आप पीएम किसान सम्मान निधि की राशि प्राप्त कर रहे हैं। तो दोस्तों देखा आप लोगों ने, गवर्नमेंट का ऐप है, आप यदि किसान हैं, आपके नाम कुछ ज़मीन है, थोड़ी सी भी ज़मीन है, तो आप इस ऐप को ज़रूर अपने मोबाइल में रखें, ताकि आपकी जो किसान सम्मान निधि जो मिल रही है, जो आपके अकाउंट में आ रही है, उससे जुड़ी जानकारी भी आपको मिल सके और ईकेवाईसी भी टाइम टू टाइम आप खुद से अपने आप कर सकें।
और बेनिफिशरी स्टेटस भी और जो भी सेवाएं वहां पर दिखाई जा रही हैं सारी सेवाओं का आप लाभ ले सकें। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप प्ले स्टोर से जो ऐप डाउनलोड करके उससे ही आप अपनी सारी सेवाएं देख सकते हैं और ई केवाईसी भी कर सकते हैं। इसके लिए आपके आधार से आपका मोबाइल नंबर लिंक होना ज़रूरी है। तो दोस्तों यही जानकारी आपको प्रोवाइड कराना चाह रहा था। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी भी लगी हो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों आपसे हमारी मुलाकात होगी अगली वीडियो में किसी बेस्ट बेहतरीन सटीक जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।